नमस्कार, अमृत विचार देख रहे हैं आप। तो शहर में लगातार कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ती जा रही है। तकरीबन अब तक 42 के पार शहर में कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। प्रशासन की नींद इस वजह से भी उड़ी हुई है क्योंकि ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और ये गंभीर मामला इसलिए भी है क्योंकि अनलॉक वन के जरिए जो कोशिश थी तमाम चीज़ों को खोलने की वो की जा रही है, और काफ़ी कुछ जो दुकानें हैं वो डे बाय डे एक पटरी के हिसाब से खोली जा रही हैं, तो काफ़ी आवाजाही हो रही है। और ऐसे में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ना वाकई प्रशासन की नींद उड़ाने जैसा है। मैं इस वक्त एक शाहबाद इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ पर इलाके के लोगों ने बताया, और यहाँ एक गली है सामने, आप देख सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन 3 लोग बताए जा रहे हैं आए थे, उनमें से कोरोना संक्रमित निकले हैं, लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, कोई बंद नहीं किया गया है। फिलहाल गली खुली हुई है, आवाजाही जो है वो हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से कंटेनमेंट जोन की संख्या शहर में लगातार बढ़ रही है, वो स्थिति बेहद भयावह हो सकती है, बहुत गंभीर हो सकती है। प्रशासन की नींद उड़ना इसलिए लाजमी है क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो खुल चुकी हैं, काफ़ी आवाजाही हो रही है, बाजार खुल रहे हैं, लोग बाजारों में निकल रहे हैं, खरीदारी करने निकल रहे हैं, कुछ शर्तों के साथ ही सही, लेकिन आवाजाही जो है वो अनलॉक वन के जरिए काफ़ी हद तक खुली है। ऐसे में कंटेनमेंट जोन और कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ना वाकई प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। मेरी गली में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं परसों, और उनकी फैमिली को लेके गए हैं, और सैनिटाइजर वाले आए थे, लेकिन उनको बोला कि अंदर आइए, अंदर आके कीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम अंदर नहीं जा पाएंगे, सिर्फ बाहर बाहर करके चलते हैं। इसलिए नहीं किया गया है कि अभी शायद जो लोग अभी गए हैं उनकी फैमिली वाले, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बाद बोला है कि इसको सील कर दिया जाएगा। और ये जो आवाजाही आप देख रहे हैं, ये आप रिपोर्टर लोग जब भी आते हैं, कोई भी आता है, तो ये आवाजाही शुरू हो जाती है, वैसे कोई नहीं निकलता। जो चले गए हैं अस्पताल, और कल उनके घर के लोग भी गए हुए हैं शाम। देखना ये होगा इस स्थिति से प्रशासन किस तरह से निपटता है, प्रशासन की आगे की क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। अमृत विचार के लिए कैमरामैन शारिक के साथ मोनिस पाटिल।